हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी। मैं हूं अनिल मौर्य। तो फ्रेंड्स, जो है अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं एंजल वन, अगर एंजल वन का डीमैट अकाउंट यूज करते हैं तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आप जो है ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ओआई एनालिसिस करना आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो ऑप्शन में पैसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम जो है जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको वो फीचर्स कहाँ मिलेगा। एंजल वन पे आपको आना है, लॉगिन कर लेना है। अगर आपका डीमैट नहीं है तो डीमैट ओपन कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है वॉच लिस्ट एंड ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह से आपके फीचर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का ऑप्शन दिया है। और अभी एंजल वन ने एक अपडेट किया है कि यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट भी दे देता है। तो ये एक्सपायरी डेट ऑप्शंस की एक्सपायरी डेट होती है। तो अब क्या करना है आपको, अगर आपको यहाँ पे देखो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का या सेंसेक्स का चाहिए तो ठीक है। अगर आपको दूसरे लगाने हैं तो यहाँ पे देखो एक पेन का ऑप्शन दिया है एडिट का, तो आपको उसी के ऊपर क्लिक करना है। सो मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको सारे जो स्क्रिप्ट है, जो भी इंडेक्स सब मिल जाएंगे, फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंक एक्स। तो आपको क्या करना है, समझो आपको अभी यहाँ से मिड कैप लगाना है, तो यहाँ पे आप क्या करो, सेंसेक्स हटा लो, सेंसेक्स हटा के यहाँ पे मिड कैप लगा लो और सेव कर दो। तो अब देखो यहाँ पे सेंसेक्स की जगह पे मिड कैप का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है ऑप्शन चेन का, तो आपको ऑप्शन चेन पे नहीं जाना है, जाना है यहाँ पे ओवाई एनालिटिक्स पे। सो ओवाई एनालिटिक्स ऑप्शन आपको बहुत सारे पेड फीचर्स मिलते हैं, लेकिन एंजल वन में फ्री में दिया हुआ है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, लेकिन अगर आप समझो ट्रेडिंग कर रहे हो एंजल वन में, तो आप ओवाई की एनालिसिस करने कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो इससे अच्छा है कि एंजल वन में ही ओवाई एनालिसिस आप यहाँ से कर लो। और ये भी नया फीचर आया हुआ है। तो देखो अगर आपको ये फीचर्स नहीं आता है, नहीं पता है, तो ऐसा समझ लो कि आप ऑप्शन मार्केट में पैसा रेगुलर कमा नहीं पाओगे। तो इसके यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर आपको यहीं से कोई चेंजेस करना है, समझो निफ्टी, बैंक निफ्टी चाहिए, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। मैं समझो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दिया हुआ, तो मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स दिए हैं, सबसे पहले तो यहाँ से आप वीकली, मंथली सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे ओआई वर्सेस पीसीआर, ओआई एंड पीसीआर वर्सेस टाइम, यानी ओआई ओपन इंटरेस्ट ये देखो यहाँ पे दिया है, पीसीआर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये टाइम, इसके हिसाब से आपका ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर कैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, ये आपको बताता है। अब देखो ये जो आपको ये इस तरह से हिस्टोग्राम दिख रहा है, इसमें देखो रेड वाला कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, ग्रीन वाला पुट का ओपन इंटरेस्ट है, और ये जो आपका गुलाबी कलर का ये वाला बने हुआ है, इसको ये पीसीआर है आपका, राइट। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे टाइम के हिसाब से दिख रहा है भाई ओपन इंटरेस्ट कैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, और पीसीआर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखो ये ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है, या टोटल, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट इस समय कितना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना है, ये स्ट्राइक प्राइस वाइज दिया हुआ है, और प्लस आपको यहाँ पे टोटल पीसीआर कितना है ये दिख जाएगा। तो ये आपके बहुत ही काम का है कि भाई पीसीआर जो है, पीसीआर का यूज क्या है, इसके हिसाब से मार्केट को प्रेडिक्शन कैसे करें, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो टोटल ओपन इंटरेस्ट पता चल जाता है कि टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है, पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, और सब। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओपन इंटरेस्ट चेंज। ओपन इंटरेस्ट चेंज अपने को करंट डेटा बताता है कि भाई करेंटली ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन राइटर कितने हैं, कहाँ पे हैं, क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का चेंज डेटा मिल जाएगा, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज इन ओआई। और उसके बाद यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक ओआई, मल्टी स्ट्राइक प्राइस की ओआई इस समय क्या है। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे देखोगे टाइम फ्रेम दिया है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, वन डे में, आप ये डेटा सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही काम का है ये डेटा, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग हो। तो देखो इसकी एक डिटेल्स वीडियो मैं बनाऊँगा, अगर इसी में बताता हूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे वीडियो में इसकी डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा कि भाई कैसे वो ये ओआई को, पीसीआर को यूज करना चाहिए, कैसे इसे यूज करके आप अपना प्रेडिक्शन और सही कर सकते हो ऑप्शन मार्केट में, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह में, राइट। तो उसकी डिटेल्स वीडियो में बनाऊंगा। तो वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट में जो है मुझे आप बताइए कि आपको ये आता है या नहीं आता है, तो मैं आपको उसी हिसाब से अगली वीडियो जल्दी बना के दूंगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।